जय हिंद जापान में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल संयुक्त देशों का बयान सुनकर चीन भड़क उठा है। तो ऐसा क्या कह दिया है संयुक्त देशों ने चीन के खिलाफ कि उसकी सहनशीलता की क्षमता खत्म हो गई है और वो संयुक्त देशों पर भड़क उठा है। चीन ने संयुक्त देशों से कहा है कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। चीन ने कहा है कि हमारे पास इतनी सारी चिंताएं और हमारी इतनी सारी चिंताएं होने के बावजूद भी आप हमको दोषी ठहरा रहे हैं, ये बात गलत है, हम इसकी घोर सारी निंदा करते हैं। संयुक्त देशों ने G7 के अंत में जो जापान में हो रहा है उसमें जो बयान जारी किया गया है उससे चीन नाराज हुआ है और उसकी कूटनीतिक तरीके से निंदा भी की है। G7 शिखर सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में जो कार्यवाही चल रही है उसकी घोर निंदा की है, लेकिन चाइना ने इसे गलत ठहराया है। इस सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हैं उन सभी देशों ने चीन की घोर निंदा की और उसे बहुत ही बुरी तरीके से धोया है। धोना भी चाहिए, जो गलत करता है उसे गलत ही ठहराना चाहिए। जब गलत ठहराया गया है तो चीन भड़क गया है। जब कोई अगर बुरा करता है तो उसे आप कहते हैं आप बुरा कर रहे हैं तो भड़क कहता है कि आप हमें ज्यादा ज्ञान न दो, हमें मालूम है जो हमें करना है। तो चाइना को जब बताया गया कि आप गलत कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये चीजें सही करनी चाहिए, तो इन बातों को लेकर चाइना भड़क गया है। उसने कहा है कि आप हमें सिखाइए नहीं, हम इस बात की निंदा करते हैं। वैसे तो कोई भी देश चाइना से संबंध बनाना नहीं चाहता है, लेकिन इस शिखर सम्मेलन में जितने भी देश शामिल हुए हैं सबने कहा है कि हम आपसे संबंध तो अच्छे बना लें, लेकिन पहले आप ताइवान, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के जो हालात हैं उनको सुधारिए। यह जो G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है ये जापान में हो रहा है, इसका जो मेन लीडर है वो जापान है। जापान ने ही इंडिया को इनवाइट किया है, इंडिया को इनवाइट किया है। जो G7 के अंतर्गत जो देश आते हैं उनमें से पहला है जापान, फिर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये 7 देश हैं। इसमें कुल ये 7 देश हैं। इसमें ना तो रशिया इसका सदस्य है G7 का, ना तो चाइना है, ना तो इंडिया है, ना तो और कोई भी देश है। इन 7 के अलावा कोई भी देश नहीं है, लेकिन फिर भी जापान के द्वारा इंडिया को इनवाइट किया गया है क्योंकि इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। तो इसकी बढ़ती हुई ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए इसे इन्वाइट किया गया है और इंडिया पिछले 10 सालों से कंटिन्यू इस सम्मेलनों में लगातार इन्वाइट हो रहा है। इंडिया किस तरह से धीरे धीरे रैपिड ग्रोथ कर रहा है उसी के विचारों को लेने के लिए जापान ने इंडिया को इनवाइट किया है, और करना भी चाहिए क्योंकि ये दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन रहा है। इसी से अपना पड़ोसी वो चचा जो है वो जल रहे हैं, पाकिस्तान वाले वो लोग जल रहे हैं, उसको हम किसी दूसरी वीडियो में समझ लेंगे कि क्यों जल रहे हैं। उन्होंने G20 सम्मेलन जो कश्मीर में ना हो उसको लेकर उन्होंने एड़ी से लेकर चोटी तक जोर लगा दिया है, लेकिन उनसे फिलहाल कुछ हुआ नहीं है और ना ही उनसे कुछ होगा। तो वो इस लायक नहीं है कि इंडिया में कुछ भी हो रहा है उसे रोक पाए। इस सम्मेलन में चीन में जो मानवाधिकार चल रहा है उन पर भी सवाल उठाए गए हैं। उस पर कहा गया है कि जो तिब्बत में मानवाधिकार चल रहे हैं, हांगकांग में जो मानवाधिकार चल रहे हैं और सिंजियांग में जो मानवाधिकार है उन पर भी सवाल उठाए गए हैं कि आप पहले इनकी जो स्थिति है उसको सुधारिए, इनकी स्थिति जो है वो खराब चल रही है। लेकिन जब ऐसा कहा गया है चीन से तो चीन भड़क उठा है, कह रहा है कि आप हम पर सवाल मत उठाइए, हम आपकी निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। ऐसा क्या तो चाइना से जो बोला गया है वो गलत नहीं बोला गया है, ये बोलना भी चाहिए क्योंकि आखिर ये सम्मेलन क्यों किया जाता है। तो इसमें सभी देशों की हालातों को मद्देनजर रखते हुए इसे किया जाता है कि जितने भी देशों की स्थिति खराब चल रही है वो आए इसमें भाग लें और भाग लेकर वहां से विचार लें, जितने भी देश शामिल हुए हैं उनके विचार लें और अपने देश में जाकर अप्लाई करें जिससे उनकी स्थिति सुधर सके। तो इन बातों को सुनते ही चाइना तुरंत भड़क गया और कह रहा है कि हम आपकी घोर निंदा कर रहे हैं इस बयानों पर। निंदा करोगे ही, इसके अलावा क्या ही कर सकते हो, सुधर जाओ, नहीं तो सिर्फ निंदा के लायक रहोगे। इस G7 शिखर सम्मेलन की बैठक में यूक्रेन को भी इनवाइट किया गया है। जो रूस और यूक्रेन से युद्ध चल रहा है उस पर भी सवाल उठे हैं कि इसे को कैसे रोका जा सकता है। उस पर डायरेक्टली बोला गया है चीन से कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है इस पर आप रूस पर दबाव बनाइए, किसी तरह से इस युद्ध को रुकवाइए। वहां पर बहुत ही ज्यादा जनहानि हुई है, मालहानि हुई है और फिलहाल वहां पर लगभग सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसी स्थिति बन गई जिसमें पता नहीं ना जाने कितने निर्दोष मारे गए जिनका कोई दोष नहीं था। लगता है सारे यूक्रेनी भी पागल हो गए हैं, अरे यार सुधर जाओ, कितने ज्यादा वहां पर लोग मर गए हैं, तुमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, ये सब इतना ज्यादा अत्याचार क्यों कर रहे हो, पता नहीं कितने बच्चों को अनाथ कर दिया गया, पता नहीं कितने पिताओं से उनके बच्चे को छीन लिया गया, पता नहीं कितनी माओं को अलग हो गए हैं क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा भीषण अत्याचार हो रहा है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, लिमिट के बाहर हो रही हैं। इन सब चीजों को जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी शांत किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि चाइना रूस पर दबाव डालेगा और उस जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसको जल्द से जल्द खत्म करवाएगा। जब यूक्रेन शामिल हुआ था G7 शिखर सम्मेलन
में तो उसने एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी थी। तो अब उनसे मुलाकात हो गई, इस पर जरूर कुछ न कुछ हल निकलेगा। आई होप चाइना किस प्रकार के बयानों को लेकर संयुक्त देशों पर भड़क उठा है इसको समझ पाए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।